तो आइए दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हम चलते हैं आज पिलुआ मंदिर की तरफ, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और देखते हैं, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और बस थोड़ी ही देर में आपको दर्शन कराएंगे। ये है मंदिर की ऊँचाई और बाहर वाला ग्राउंड। यहाँ देखते हैं, यहाँ से यात्री गढ़े इसमें घूम घूम के मंदिर के अंदर जाते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है तब। और ये है शिवम, इसका काम है खाली हंसने का, बस इसको हंसाते रहो कहीं भी घुमाते रहो। तो दोस्तों, ये है मंदिर का मेन गेट और यहाँ से हम एंट्री करेंगे मंदिर के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होते हैं मुझे दर्शन। अभी फ़िलहाल आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज शनिवार, मंगलवार को हद से ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमें सीढ़ियों से जाकर सीधा चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ देखिए बच्चे क्या बेच रहे हैं यार, फूल, वो भी गुलाब के फूल। ये फूल बेच रहे हैं मंदिर पे चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हम जाते हैं मंदिर के अंदर और ये देखिए दर्शन करने के लिए आ गए हैं यात्रीगण, दर्शन कर रहे हैं। और अभी हम आपको दर्शन कराते हैं महावीर भगवान के, मतलब पिलुआ वाले बाबा के। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का सीन कि बाबा जी कैसे हैं। पूरे मंदिर के अंदर तो माहौल तो बहुत अच्छा है और यहाँ साफ़ सफाई भी है। यहाँ देखो हर पुजारी, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है, आशीर्वाद दे रहे हैं पंखे से। और चारों तरफ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ और बहुत कुछ है मंदिर के अंदर। और सभी लोग बहुत अच्छे दर्शन भी आराम से कराते हैं, कोई वो छीना झपटी वाला काम नहीं है और कुछ गलत सलत नहीं है यहाँ पे। जो भी है बहुत अच्छा है, रियलिटी है आराम से, और किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर आए और आराम से अपना हनुमान चालीसा पढ़े बैठकर। कई सारे लोग यहाँ पढ़ भी रहे थे, उधर बैठे थे अभी। और तिलक लगाने का सिस्टम भी ये नहीं कि पैसा दो तभी तिलक लगेगा, कोई वो नहीं है, तिलक कलावा आराम से बनवा सकते हैं आप लोग। और ये है मंदिर के पीछे साइड का सीन जहाँ लोग तिलक और कलावा बनवाने आते हैं। और इधर पीछे से देखिए, पीछे भी बैठे हैं सभी लोग तिलक लगाने के लिए और कलावा प्रसाद देने के लिए। और इधर पीछे बाबा जी की ये जो इस साइड मूर्ति है ना शीशे के अंदर, वो अंदर वाली है, जो अंदर उस साइड मंदिर में है जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, वो पीछे साइड भी लगा रखी है। और देखिए भगवान जी के लिए एसी लग रखी है अंदर। और यहाँ खड़े हैं हम सामने, देखिए दोस्तों, तो हम खड़े हैं यहाँ पे और ये सब देख रहे थे कि मंदिर में साफ़ सफाई बहुत है, नल भी लग रखा है यहाँ पानी के लिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। और आप आएँ, अच्छे से आएँ, आज तो फिलहाल भीड़ ही नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से मैंने वीडियो भी बना लिया। और कई सारे कमरे वमरे भी हैं यहाँ पर, पुजारी लोग रुकते हैं। और ये अंशुल अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं दूसरे फ़ोन में और इन्हें पता नहीं था कि हम ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो मैंने बना लिया इनका ब्लॉग। और ये देखिए अपने फ़ोन में आए हैं फ़ोटो देखने के लिए। ये खड़ा है शिवम और हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में आपको बाहर का भी सीन, जो बाहर का एरिया कैसा है यहाँ से, क्योंकि हम मंदिर के ऊपर हैं ना, बहुत ही ऊपर हैं दूसरे तीसरे माले पे। और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर, सभी लोग फ़ोटो क्लिक करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि मना नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मंदिर का एरिया बहुत साफ है और वो सामने जो लोग बैठे हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए मंदिर के पीछे का जो जंगल टाइप इलाका है ना बेहद, वो बहुत अच्छा है, बनी बन है चारों तरफ यहाँ। और यहाँ ककोरा ढूंढने लोग बहुत जाते हैं, इस जंगल में ककोरा ही ढूंढते रहते हैं जो भी जाता है इधर खाने के लिए। सब्ज़ी होती है अच्छी जो कि ककोरा के ढूंढने के काम आती है और बहुत अच्छी है। और तो दिखाते हैं दोस्तों, ये देखो धूप वगैरह जल रही, धूप बत्ती, और यहीं हम लोग खड़े हैं। अब देखते हैं आपको यहाँ से बाहर का इलाका दिखाते हैं मंदिर के बाहर। देखो खेतों में लोग काम कर रहे हैं, वो दूर देखो खेतों में, जूम करो भानु भाई थोड़ा, करते हैं जूम, देखिए। तो दोस्तों यहाँ देखो घास लेके जा रही हैं एक आंटी और पता नहीं एक आंटी किधर जा रही हैं उधर। तो बाहर का भी सीन बहुत एरिया अच्छा है और यहाँ से अपना टाइम पास अच्छे से कर सकते हैं खड़े होके। तो दोस्तों हम अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं विराम करते हैं और तो बाय बाय दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों मंदिर कैसा लगा और आपको यहाँ का एरिया कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आया हूँ यहाँ तक दोस्तों, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ यहाँ के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा।